हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की पाठशाला। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे लोको पायलट की नई भर्ती के बारे में कि आपके रेलवे लोको पायलट की कितनी पोस्ट अभी वैकेंट चल रही है, करंट में जो वैकेंट चल रही है, तत्काल जो न्यूज़ आई है आज ही के न्यूज़पेपर में जो आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये लोको पायलट की बात कर रहे हैं, टेक्नीशियन बाकी सबके तो अलग अलग है। आज मैं सिर्फ लोको पायलट पर बात करने वाला हूँ कि इसमें कितनी पोस्ट खाली है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी पोस्ट इसमें खाली है, किस किस जोन में कितनी पोस्ट खाली है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, ये रही न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर जोधपुर सिटी से यहाँ पे 21 मार्च 2022 को नवज्योति में प्रकाशित की गई है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि रेलवे लोको पायलट के रिक्त पद भरने को लेकर रेलवे बोर्ड ने दिखाई सकते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ही जो सेफ्टी वाली पोस्ट होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट सारी मामले सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई है। और बढ़ती ट्रेनों के बावजूद रेलवे में 8968 पद लोको पायलट के रिक्त चल रहे हैं। आगे क्या कहा गया, रेलवे मंत्रालय की ओर से नई ट्रेनों को संचालन के लेकर भले ही नियमों में बदलाव कर दिया, लेकिन अनुसार ये सारी चीज़ गई है। जो मेन पॉइंट है उस पर मैं बिंदु पे बात करता हूँ। तो ये आपके इतनी वैकेंट पोस्ट खाली चल रही है और बाकी सब सारी इसमें डिटेल दी गई है। और मेन चीज़ जो इसमें कही गई है और रनिंग ये सारी चीज़ दी गई है, मेन चीज़ जो कही गई है ये देख सकते हो यहाँ पर, रेलवे बोर्ड ने दिखाई सकती है। रेलवे बोर्ड इन दिनों बढ़ती दुर्घटना को लेकर, जो दुर्घटना हो रही है सेफ्टी पोस्ट जो आते हैं रेलवे के अंतर्गत, इसको लेकर जोनल रेलवे को पत्र भेजा गया, मतलब एक नोटिस भेजा गया है सभी जोनल रेलवे को, आप जितनी भी पोस्ट खाली है रेलवे में आपके इस जोन में तो हमें उसका डाटा दीजिए। तो डाटा भी इन्होंने भेज दिया है। संरक्षण अधिनियम चलाने को लेकर अन्य उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं, बाकी इसमें ये वो सब दी गए। इसमें लोको पायलट व रनिंग वर्क के जो पद हैं उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। अब बात करें कि किस जोन में कितने पद खाली है, तो यहाँ आप देख सकते हो किस जोन में कितने पद खाली है, उसका यहाँ पे सारा ब्यौरा दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हो कि रेलवे में अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग कैटेगरी में मेल मोटरमैन सेंटर और सहायक जो आपके लोको पायलट होता है उसमें क्या है, CSR में जो आपके मेल में इतने पद खाली है, मोटर मैकेनिक में इतने पद खाली हैं। तो मैं कुल की बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर पूरा बताऊँगा तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं कुल की बात करने वाला हूँ सभी जोन में। तो मेल में जो आपके पद खाली है वो है आपके 8968 जो मेल मतलब लोको पायलट के हैं वो। और उसके बाद में आगे जो बात करें तो मोटरमैन में जो आपके खाली हैं वो आपके 597 हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंटर है उसमें आपके 3446 पद खाली हैं। और बात करें जो लास्ट की जो सहायक होता है असिस्टेंट होता है उसमें आपके असिस्टेंट में आपके 2336 पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पद खाली चल रहे हैं लोको पायलट के। अभी जो करंट की बात की गई है कि 9668 पद इसमें खाली है, ये पोस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिले क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई गई है। रेलवे सभी चीज़ों को रोक सकते हैं पर लोको पायलट जैसी पोस्ट को नहीं रोक सकती, क्योंकि उनको ट्रेनें चलानी है, दुर्घटना जितनी ज़्यादा होती रहेगी उनके ऊपर प्रेशर आता रहेगा। और अभी लोकसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी साफ साफ बयान दिया है कि 3 साल के अंदर इतनी पोस्ट इन्होंने कराई है, 3 लाख से भी प्लस इन्होंने पोस्ट कराई है। और रेलवे में भी 3 लाख से पोस्ट ज़्यादा इसमें खाली चल रही है। तो आप सोच सकते हो कि इतनी ज़्यादा पोस्ट खाली चल रही है। तो आप देख सकते हो कि टेक्नीशियन की भी आने वाले सभी पोस्ट यहाँ पे आने वाले। तो जैसे कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर आज के लिए तो इसमें यही था कि आपके जो रेलवे में करंट में जो आपके पद का इन्होंने ब्यौरा दिया है कि 8000 असिस्टेंट लोको पायलट की बात करें तो 8968 पद इसमें खाली चल रहे हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उसकी तैयारी में भी जुड़ जाए, क्योंकि 1 साल तो आपको कम से कम लोको पायलट बनने के लिए देना ही पड़ेगा, तभी आप तैयार हो सकते हैं। इसमें CBT1 होता है, CBT2 होता है, CBT3 होता है, तो उसकी तैयारी में आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपके बहुत जल्द इसमें कोई ना कोई ऑफिशियल बयान नोटिस आने वाला है। तो जल्द से जब भी आएगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा और ये वैकेंसी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक